बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC की तरफ से एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है। हम सबसे पहले इसकी पुष्टि करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब देखते हैं यहाँ पे तो कोई भी नोटिफिकेशन नया अपडेट नहीं है। लास्ट अपडेट है इसका 19 मार्च को, लेकिन सोशल मीडिया पे अपडेट हो रहा एक एक रिज़ल्ट जो कि बिहार दरोगा का बताया जा रहा है उससे आपको अवगत कराते हैं। ये बिल्कुल और सरासर फेक है और आपको इसकी पुष्टि करते हैं हम एजुकेशन की 86 के माध्यम से। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन है जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का ये लोगो लगाकर यहाँ पर इन लोगों ने अभी इसका रिजल्ट घोषित कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है। अब आपको सभी को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर दोस्तों कि एक वैकेंसी और भी ग्रामीण सेवक की वैकेंसी है, उसकी भी वायरल की जा रही थी, जो कि आज की न्यूज़पेपर में उसका अपडेट देकर उसकी पुष्टि की गई। जी हाँ, रूरल डेवलपमेंट की तरफ से कि वो वैकेंसी फेक है, ऐसा कोई वैकेंसी नहीं है। तो उसी तरह इसके रिजल्ट को भी लेकर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब इन सब के ऊपर सरकार की बहुत पैनी नज़र बनी हुई है। जहाँ से भी ये सब सारी चीज़ें निकल रही हैं उन सभी के बारे में सरकार अभी नज़र रख रही है। तो सावधान हो जाइए जो लोग ऐसा कर रहे हैं खुराफात, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि जिनका कि रिज़ल्ट होकर यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ज्वाइनिंग का, तो अब यहाँ पे उनके साथ एक खेल खेला जा रहा है उनकी भावनाओं के साथ। तो ऐसा करने वालों के साथ जेल भी हो सकता है अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसी रिज़ल्ट बनाकर आप लोग पब्लिश कर रहे हैं। तो ये आप सभी को बता देना चाहते हैं कि जो मेरिट लिस्ट बताया जा रहा है बिहार पुलिस में निकला है वैकेंसी दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, जी हाँ, और सर्जेंट का। एडवर्टाइजमेंट संख्या 1/2019 का था। यहाँ पे इसका रिजल्ट जारी करते हुए बताया जा रहा है कि 21 अगस्त 2019 के विज्ञापन संख्या 1/2019 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है 2446 पदों के विरोध में। दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 585,829 जो डेटा यहाँ पे दिए गए हैं बिल्कुल सही के सही डेटा है यहाँ पे, जिनमें कि सेलेक्ट हुए थे यहाँ पे प्राथमिक परीक्षा में PT में और उसके बाद मेंस दिए हैं अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हुए हैं 15,231, सारा कुछ सेम है। यहाँ पे PET का डेट भी सेम बताया जा रहा है जिन लोगों का हुआ है। शारीरिक दक्षता में यहाँ पे 13,401 अभ्यर्थी जो है उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि 47 फर्जी पाए गए। ये सारा डेटा यहाँ पे सही सही बताया गया है इन सभी चीज़ों को। और अब यहाँ पे जो है इसके मामले को सामने देखते हुए इसका रिजल्ट और उसका कट ऑफ यहाँ पे घोषित किया गया है। आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपको यहाँ से दिखला देना चाहता हूँ कि ऐसे रिजल्ट के पेजेस पे अगर आपके पास पहुँचते हैं और ये कट ऑफ मार्क्स पहुँचता है तो इसके लेकर आप लोग बिल्कुल सचेत रहें। ये आपका ओरिजिनल कुछ नहीं है यहाँ पे, और इसका जब ओरिजिनल रिजल्ट दिया जाएगा, अगर कुछ ऐसा मिलता जुलता रिजल्ट है भी, तो ये समझिएगा कि आयोग की तरफ से इसको वायरल किया गया। लेकिन अभी आयोग के ऊपर कभी कोई उंगली ना उठाएगा, ऐसा यहाँ पे मैं आपको संकेत कर रहा हूँ। और आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की भावनाओं के साथ यहाँ पे खेल हो रहा है। और BPSSC का ये रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, बिल्कुल फेक और निराधार है यहाँ से, जिसकी पुष्टि यहाँ पे एजुकेशन की 86 के माध्यम से हम आपको करके बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये कटअप देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो अपडेट किया गया है सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट की वैकेंसीज को लेकर, मेल और फीमेल कैटेगरी को लेकर। हर वो कैटेगरी में जनरल EWS BC EBC SC ST और BC वुमेन को लेकर, जहां पर मेल कैटेगरी में कट ऑफ बताया गया है 163.4, तो सोच सकते हैं ये बिल्कुल पिछले साल का मिलता जुलता ये कट ऑफ अपडेट है दोस्तों। तो इसी के आधार पे इसको बनाकर यहां पे आप लोगों के लिए शेयर कर दिया गया है और ये वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, व्हाट्सअप पे, हर एक जगह वायरल हो रहा है। तो आप लोग बस इसको ना देखें, ध्यान में ना रखें और ऐसी चीज़ों से अवेयर रहें। दोस्तों, इतना ही कहना था इस वीडियो के माध्यम से कि बिल्कुल बिहार दरोगा की परीक्षा को मजाक बना के रख दिया गया है। आयोग को भी चाहिए कि अब इसका जल्द से जल्द रिजल्ट देकर इनकी ज्वाइनिंग की डेट फाइनल की जाए। लेकिन COVID-19 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सारी चीज़ें अभी स्थगित की जा रही हैं। आयोग भी अभी बंद है, 15 मई तक तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें बंद रहने की बातें की गई थी। अब लेकिन लॉकडाउन को फिर से 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे जो सेकेंड नोटिफिकेशन दिया गया है लॉकडाउन को लेकर, उसमें भी ये बोला गया है कि कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई भी आयोग यहाँ पे जो कार्यालय है ओपन नहीं होगा 25 मई तक। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जब रिज़ल्ट आएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट करवाऊंगा मैं और वहां से रिज़ल्ट भी आप लोगों को बताऊंगा। तो यहां पे इस फेक न्यूज़ का निराधार करता है एजुकेशन के 86। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु यहां पे हमारे साथ चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बिहार दरोगा से रिलेटेड एक सुबह में ही मैंने एक वीडियो दिया था यहाँ पे, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, 2446 पदों के बारे में ही यहाँ पे कुछ अपडेट हैं, कुछ वैकेंसीज को लेकर 1500 से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि मेडिकल
का यहाँ लगाकर अब वो हाई कोर्ट में याचिका दायर किए हुए कि उनका भी फिजिकल लिया जाए। तो इस मामले को यहाँ पे रखा गया है, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ये एक ओरिजिनल वीडियो है और यहाँ से ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा 2213 पदों के लिए तो आप हमारे YT एजुकेशन चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। YT एजुकेशन का एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड करें। और ईद ऑफर में ये ऑफर चल रहा है जहां पे आप इसके 5000 क्वेश्चन को परचेज कर सकते हैं विद द PDF और विद द वीडियो क्लासेस। तो यहाँ से बिहार फायरमैन के लिए भी 100 रुपीज़ में आप चीज़ें खरीद सकते हैं, बिल्कुल इसको देख सकते हैं आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए जाके। तो बिहार SI और बिहार फायरमैन की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये 5000 क्वेश्चन के MCQs विद द PDF विद द वीडियो आपको शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोविड से भी बच के रहिए, घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।